नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ढोकले रवा और बेसन से। ये बहुत ही टेस्टी रहते हैं और इसके साथ में बना रही हूँ टाटरी। आप बिना तड़के के भी टाटरी इसके साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चटनी में भी खा सकते हैं और चटनी के बगैर भी टाटरी डाल के ढोकलों को खा सकते हैं। चलिए बनाना करते हैं हम शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुषमा, कुक विद सुषमा में आपका स्वागत है। सी मैंने बेसन ले लिया है, ये मैंने इस कटोरी से मेजरमेंट किया है। जो आप कटोरी लेना चाहे, कप लेना चाहे, उससे कर सकते हैं। ये मैंने 2 कप बेसन लिया है और उसी कटोरी से मैंने 1 कप ये सूजी ली है। ये भी हम ऐड करेंगे। हम बेसन और सूजी का ढोकला बना रहे हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम बेसन में। अब इसमें हम थोड़ा इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। ढोकले को पीलापन देने के लिए हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। आप ढोकले को और टेस्टी बनाने के लिए और भी चीज़ डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ हल्दी ली है, या आधा चम्मच नमक लिया है मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। खास के लिए मैं थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ। वैसे भी अच्छी तरह से हम अपने आटे पे अच्छे से मिला लेंगे, फिर इसका अच्छा बैटर बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अपने ढोकले को और टेस्टी बनाने के लिए आप ऐसा मिला सकते हैं। जो आपको इंग्रेडिएंट पसंद है वो भी आप डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और इसका अच्छा स्मूथ बैटर बनाएंगे। ये हमारा हमारे मिक्सर तैयार हो गया है। उसको बैटर बनाने के लिए मैं 1/2 कप दही ले रही हूँ। मैं उसी कटोरी से मेजरमेंट कर रही हूँ। जो आप लेते हैं, लेना चाहते हैं, उसी कटोरी से मेजरमेंट कर लीजिए। ये मैं इसे इसमें डाल रही हूँ और अच्छी तरह से इसका हम स्मूथ बैटर बना लेंगे। अभी आपको थोड़ा वैसा लग रहा है, आप इसमें पानी डाल के भी स्मूथ बैटर बना सकते हैं। मैं थोड़ा और पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए और स्मूथ बैटर बनाना चाहिए। अब ये बहुत गाढ़ा है, इसे हम थोड़ा सा और पानी डाल के पतला बैटर बनाएंगे थोड़ा सा, और इसमें बहुत से लम्स हैं, इसे हम ख़त्म करेंगे। इसे और खट्टा मीठा बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ये नींबू का रस ले रही हूँ। ये थोड़ा मैं बताना भूल गई थी आपसे। इससे भी घोल के हम अच्छा स्मूथ बैटर बना। अगर आप जल्दी बना रहे हैं तो इनो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पर इसे 10-15 मिनट के लिए फूलने के लिए रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बैटर बनके तैयार हो गया है। इसे हम थोड़ा 10-15 मिनट फूलने के लिए रख देंगे, फिर इसके बाद हम अपने अगले प्रोसेस में चलते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा बैटर फूल चुका है। इसमें हम और अच्छे फूलों फूलों बनाने के लिए 1/2 चम्मच सोडा, बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं, जिससे हमारे ढोकले और अच्छे फूले फूले बनेंगे। और ये मैं आज ढोकले इडली के साँचे बना रही हूँ। ये मैंने पानी रख दिया है, देखिए गर्म हो रहा हैगा। अब हम ये बैटर को इडली के साँचे में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे ये नीचे चिपके ना। थोड़ा थोड़ा सा ही लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सांचे पे डाल लिया है। इसको थोड़ा हम थोड़ा डिप कर लेंगे जिससे इसके एयर बबल्स निकल जाएंगे। मेरा पानी भी हो चुका है। अब इसमें हम ये इडली के सांचे रख देंगे। ऐसे ढक्कन लगा के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, फिर हम इसे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ढोकले बन चुके हैं। हम कर देंगे गैस बंद और हम इसे चेक कर लेंगे एक चाकू की सहायता से। अगर प्लेन निकले तो समझ लीजिए हमारे ढोकले पक चुके हैं। अब हम इसे ठंडे होने के लिए रख देंगे। ये मैंने निकाल के रख लिया है, देखिए ठंडा होने के लिए।
अब ठंडा हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। जब तक हमारा ये ठंडा हो रहा हैगा ढोकले, तो हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डाली हूँ तेल। ये मैं ढोकले में डालने के लिए टाटी बना रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने लिया है तेल, ये थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इस तरह से आप बना के डालेंगे तो आपके ढोकले बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये देखिए मैंने लिया है राई, मेरा तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, ये मैं डाल देती हूँ राई, ये तड़क गया है। ये मैंने मिर्ची और कड़ी पत्ता लिए हैं, इसे भी हम डाल देंगे। थोड़ा सा हम तड़का ऑन कर देंगे, थोड़ा तल लेंगे। जब तक ये तल रहा है, देखिए तड़क चुकी है राई, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसे देंगे हम पकने। इसी में हम थोड़ा सा डालेंगे नींबू का रस, थोड़ा सा नमक। इसे खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए ये मैं आधा चम्मच शक्कर डाल रही हूँ और इसे थोड़ा देर पकने देंगे हम। देखिए फ्रेंड, ये हमारी टाटी बन के तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और अपने ढोकले को देखेंगे। देखिए ये फूले फूले बने हैं, अब इसे हम सांचे से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे चार टुकड़े में काट लेंगे, फिर उसके बाद अपना हम अपने टाटी डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कट करके सब रख लिए हैं, अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने प्लेटिंग कर ली है। जो हमने बनाई थी जो टाटी, उसको इस पे हम डाल देंगे, जिससे हमारे ढोकले और भी स्मूथ बन जाएंगे और मुलायम बनेंगे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, चटनी में भी खा सकते हैं। मैंने टाटी बनाई है, उस तरह आप खा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाय बाय।